कितनी हेल्प होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक तूफान का सामना कर चुके हैं, कोरोना के दौर में भी गुजर रहे हैं, उसके बाद एक प्राकृतिक आपदा भी आई है। प्रकृति की आपदा की वजह से इतने अच्छे अच्छे ट्री हमारे जुहू में थे वो काफ़ी गिर गए, तो इसका बहुत ही दुख हुआ हमें। हम तो वी यूज टू टेक केयर ऑफ दिस लाइक आवर ओन चाइल्ड, यू नो, ऑल दिस प्लांट्स, तो एंड वन वी यूज टू फील हैप्पी, बहुत खुशी होती थी कि इस स्ट्रीट में जैसे जुहू के सभी, आई एम सो सॉरी आई कांट स्पीक विद दिस, तो बहुत बहुत सुंदर होता था क्योंकि पूरे घने पेड़ बड़े बड़े एंड ऑल हैड दैट ब्यूटिफुल येलो फ्लावर्स, और पूरा रास्ता में भरा हुआ ऐसा दिखता है। अभी भी है कुछ कुछ, लेकिन उस टाइप का जो बड़े बड़े ट्रीज थे वो भी गिर गया इस जो तूफान अभी जो आया था, इसके लिए बहुत ही दुख हुआ हम सबको। इसलिए हमने वापस इसको प्लांटेशन किया है, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने हमारे नेबर हैं, एंड दिस इज दिस, इसका नाम है तमन, और इसमें पर्पल फ्लावर्स आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि जुहू पीपल वी ऑल वांट लॉट ऑफ फ्लावरिंग वाला ही ट्री को लगाना चाहते हैं। मैंने भी मेरे घर के सामने पहले कदम्ब ट्री लगाया था, मैं मथुरा से लेकर आके, वो कदम्ब ट्री सपोज टू बी लॉर्ड कृष्णा वेरी फेवरेट एंड ह्यूज ब्यूटीफुल ट्री वो, लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाया, वो पता नहीं उस क्या हुआ। एंड देन एक नीम का भी लगाया, वो भी नहीं, तो आई हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड अवर BMC एंड रेणु हंसराज जी, जो बहुत अच्छा बढ़िया काम यहाँ पे इस एरिया में कर रही हैं, एंड उनकी वजह से मैंने बोला कि यहाँ पे हमें भी चाहिए कुछ अच्छा सा ट्री, सो वी आर ऑल गोइंग टू प्लांट। तो प्लांटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको अपना एक 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 नहीं क्या 20-25 ट्री को तो अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए और लगाना चाहिए। सिर्फ लगा के फ़ोटो लेके ख़त्म नहीं, वो बात ख़त्म नहीं होती है, उसके बाद उसको देखभाल करना, कहीं पे भी आप लगाएंगे उसको पानी देना, उसको कैसा बराबर आ रहा है कि नहीं। वो देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये मैं वही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के दिन बहुत ही अच्छा है कि हम लोग ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, ऐसे ही सिर्फ यहाँ पे नहीं पूरा हिंदुस्तान में लग रहा है, तो हमारी सरकार भी वही चाहती है कि हर जगह लगाएं। मैंने भी मथुरा में बहुत सारे ट्री प्लांटेशन किया है, लेकिन वो सही जगह में सोच के लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि BMC का कुछ डेवलपमेंट करना है, वो बाद में पता चले उसके पेड़ को निकाल रहे हैं, ऐसा ना हो, पहले से पूछ के फिर सही जगह पे लगा दीजिए, ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो करें, हमारे साथ साथ हमारे परिवार का एक सदस्य समझ कर इसको भी रखें अपने साथ। अनुषा जी, विद ऑल डी रिस्पेक्ट, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, इतना बड़ा मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, इतनी बड़ी जड़ है, इतना बड़ा पेड़ गिरा है, और हम एक छोटा सा प्लांट यहाँ लगा रहे हैं, हाउ यू जस्टिफाई, जब मैं आपकी संस्था की बात करता हूँ, मेक अर्थ ग्रीन अगेन। सी, जो ट्री है ना वो 40 इयर्स ग्रो होता है, लेकिन बिगिनिंग एक सैपलिंग से ही होता है, एंड वेन वी हैव पीपल लाइक हेमा जी एंड वी हैव विश्वास जी एंड वी हैव रेणु जी कमिंग इन एंड एक्चुअली एक मुहिम उठाते हैं कि हम फिर से झाड़ लगाएं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो सिटी है ना, द वाटर इज़ वेरी हाई, सो द रूट्स डोंट गो डीप सर्चिंग फॉर वाटर, सो इफ दैट इज़ वाई द चांसेज ऑफ द ट्री फॉलिंग इज हायर। तो हम लोग जब अभी सैपलिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब विश्वास जी विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर, वी आर यूजिंग नेटिव ट्रीज, सो हम लोग नेटिव ट्री चूज़ किए हैं, और इसका मतलब आपने जो पता किया कि छोटा क्यों लगा रहे हैं, उसको क्या है, रूट को सिस्टम में डालने के लिए, रूट पकड़ने के लिए वो पहले छोटे से ही जड़ को मजबूत हो जाएगा, अगर यहाँ पे वैसे ही बड़ा अगर लगाएंगे तो उसके जो रूट है वो रूट यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे तुरंत, और आने वाले मानसून में फिर से एक बार वो गिरने की संभावना होती है, इसलिए हमने छोटा सा बना लगाया है। बट डेफिनेटली जैसे मैडम ने, हेमा मैडम ने बताया, वैसे बच्चे की तरह उसको पालना है, इसीलिए तो हमने ये कैंपेन शुरू किया है कि उसको एज अ मेंबर ऑफ फैमिली समझ के अपने, मेरा ये कैंपेन का उद्देश्य यही है, बाजू वाली जो पड़ोसी है नेबरहुड, उन्होंने ही उनको केयर करना शुरू कर दिया, तो हमेशा डिपेंडेंसी ऑन एनी अथॉरिटी नहीं रही। कितनी हौसला अफजाई होती है जब हेमा जी जैसी शख्सियत आ जाती हैं और पर्यावरण को लेकर इतनी चिंतित रहती हैं और खुद आके पानी दी, कितना हौसला अफजाई होती है, कितना आगे हिम्मत बढ़ती है कि और आगे चल सकते हैं। या बहुत हौसला बढ़ा था, मैं थैंक यू बोलूँगा हेमा मैडम को कि BMC का जो ये कैंपेन शुरू हुआ है, लोकल काउंसलर रेणु मैडम है, तो उनके माध्यम से हमारा आज ये कैंपेन लॉन्च हो रहा है, तो लेकिन इसको अपने को ओनली प्लांटेशन ही नहीं करना है, प्रॉपर अडॉप्शन की तरह ही से हर एक नेबरहुड में सामने आके पूरे एरिया में अराउंड
पूरे बॉम्बे में 2000 पेड़ गिर गए हैं ये जो साइक्लोन में, अपने ही एरिया में ऑलमोस्ट 450 गिरे हैं, क्योंकि कोस्टल बहुत है, जू वर्सोवा एंड ऑल दैट, तो 450 के जगह पे उतने ही 450 लगाने का हमारा मानस है। और उसमें मैडम जैसे एमिनेंट पर्सनैलिटी हमको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, हमको लीड करते हैं, तो बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है। डेफिनेटली मैडम वी विल ट्राई आवर बेस्ट एंड डेफिनेटली वी विल प्रूव ये यहाँ पे कुछ ही सालों में बड़ा बन जाएगा। अनुषा, व्हाट नेक्स्ट इनिशिएटिव? नेक्स्ट इनिशिएटिव आई थिंक वी विल गो टू द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट ट्री, एंड लाइक शी सेड 25 ट्रीज ईच पर्सन इज गुड इनफ। आप बताइए ना प्लीज, एटलीस्ट 25 तो एक एक को अडॉप्ट करना चाहिए हर घर वाले। अभी आप देखेंगे तो मेरे घर के अंदर ही बहुत है, मैं उसको गांव काउंट नहीं करूंगी। उसके अलावा मैं भी चाहूंगी कि 25 तो मेरी तरफ से और हो जाए जुहू में, क्योंकि जुहू इज द प्लेस आई बीन लिविंग। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, धर्म जी को बड़ा कुदरत से नेचर से बड़ा प्यार है, वो बड़ा ग्रीनरी में रहते हैं, हम देखते हैं कई बार वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके वीडियो पोस्ट करते हैं। खेती में वहीं पर बैठा रहता है लोनावाला में, he loves it and he has planted such beautiful trees, even I have given so many kadamb trees to him, so they are all growing so beautiful. वहाँ जाके देखने से ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया में है। बॉम्बे में एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते रहते हैं, बिल्डिंग्स तो चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में जो बिल्डर्स हैं वो भी ज़रा ध्यान रखें कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्री को काट के वो बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ज़रा उसको ऐसे भी करके हिफाजत करके, देन यू बिल्ड योर बिल्डिंग, यू नो, एंड देन यू शुड नॉट कट ऑल द ट्रीज, यू शुड ट्राई योर बेस्ट टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप जूहू के परिसर को देखते हैं तो VM रोड ले लीजिए, या इंद्रवर्धन ओझा रोड ले लीजिए, या 10th रोड ले लीजिए, आई थिंक इट्स वन ऑफ द नॉवल्टी रोड विच हैज़ ब्यूटिफुल पाम्स, यू नो, एंड काफ़ी दफ़ा मैं देखती हूँ कि न्यूज़पेपर में BMC के लिए वो आर्टिकल कवर होता है वे 10th रोड इज़ कवर्ड एज अ वेरी ब्यूटिफुल स्ट्रीट। तो जैसे हेमा जी ने बताया कि हम चाहते हैं कि ये ग्रीनरी जितनी मल्टीप्लाई हमारे द्वारा उनके माध्यम से हो सके, कॉरपोरेशन की मदद से हो सके, JVPD हम लोग एटलीस्ट इतना रिस्टोर करना चाहते हैं टू इट्स ओरिजिनल ग्रीनरी, इट्स बीन होम टू ग्रीन हाउस, वी वांट टू रिस्टोर इट बैक।